मजबूरी में जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं सर। जाता भी शाम को जाते हैं, सवेरे आते हैं रोज। मुंगेर को खगड़िया से जोड़ने वाला ये मुंगेर गंगा ब्रिज है। बिहार में ये तीसरा सड़क सा रेल पुल है। सबसे पहला राजेंद्र सेतु, जिसके नीचे से ट्रेन जाती है, ऊपर से उस पर भी रोड बना हुआ है। दूसरा जेपी सेतु पटना में, जो दीघा और सोनपुर के बीच में बना हुआ, उस पर भी नीचे से ट्रेन जाती है तो ऊपर से सड़क है, उस पर से गाड़ियाँ चलती हैं। वहीं ये रोड जिस पर हम चल करके जा रहे हैं आपके लिए वॉक करते हुए, ये भी नीचे से रेलगाड़ी चलती है, ट्रेन चल रही है, और ऊपर से ये सड़क बना हुआ, इसका अप्रोच रोड जब बन जाएगा तो इस पर से भी गाड़ियाँ दौड़ेंगी। तो बिहार में ऐसा तीसरा यह ब्रिज है जिसके ऊपर से ट्रेन भी चलेगी और गाड़ी भी ऊपर से चलेगी। अगर इसका अप्रोच रोड बन जाता है इधर में, इधर से अप्रोच रोड बन रहा है, तो ये ऊपर वाला रोड भी शुरू हो जाएगा, उस पर गाड़ियाँ दौड़ने लगेगी। 2018 से इसके अप्रोच रोड के निर्माण का काम चल रहा है। एसपी सिंगला नाम की कंपनी है जो अप्रोच रोड बना रही है, जिसका लागत है 228 करोड़ रुपये। 14 किलोमीटर का अप्रोच रोड है दोनों ही तरफ, जिसको बनना है। बन जाने के बाद इस पर गाड़ियाँ इसके ऊपर वाले फ्लोर से दौड़ने लगेगी, नीचे वाले फ्लोर से अभी ट्रेन जा आ रही है। अभी हम उस तरफ में मुंगेर के तरफ में गाड़ी खड़ी करके ऊपर पैदल चलते हुए आए हैं ऊपर वाले फ्लोर से, और इधर से हम चलना शुरू किया खगड़िया की तरफ से। ये देखिए आधा ब्रिज हम पार कर गए, सामने आपको दिख रहा है छोर, तो वहाँ से चलते हुए हम आए हैं। और इधर में सामने देख लीजिए, जहाँ ये ब्रिज ख़त्म हो रहा है वहाँ उस पॉइंट तक जाना है आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तभी हम मुंगेर वाला अप्रोच रोड आपको दिखा पाएंगे। आपको बताएं कि ये जो ब्रिज है जिसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसका जिस पर से ये रोड बना हुआ है, और यहाँ उतरे हैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये एक महत्वपूर्ण सेतु है जो इस तरफ में NH 80 को इस तरफ में खगड़िया की तरफ में NH 31 से जोड़ेगा। इसके बन जाने के बाद आम लोग जो पटरियों पर चल के आते हैं, जो जान जोखिम में डाल करके इस ब्रिज को पार होते हैं, उसके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसके बाद हम आगे कुछ बोलें, उससे पहले हमको आपको बता दें कि इधर से एक ट्रेन आ रही है, उसका विजुअल हम रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले, फिर आगे की बात करेंगे। हमने प्लान बनाया था कि मुंगेर जाना है, तो हमने कम्युनिटी में पोस्ट डाला कि मुंगेर से जो लोग हैं वो कांटेक्ट करें। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, क्या नाम है आप लोगों का बताइए? मेरा नाम आर्यन है। हाँ, क्या करते हैं आप आर्यन? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, BA। इधर इधर घूम करके बोलेंगे तो थोड़ा साफ चेहरा दिखेगा। मेरा नाम आर्यन है और मैं मुंगेर का रहने वाला हूँ, मैं अभी BA पार्ट फर्स्ट ईयर में। आपका क्या नाम हुआ? मेरा लव कुमार नाम हुआ। और आपका? पढ़ रहा हूँ। मैं रोशन। आप लोग मुंगेर में ही रहते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, युवा है, ये ब्रिज बन जाएगा तो क्या लाभ होगा यहाँ के लोगों को? इसे बेगूसराय जाने में 25 से 30 किलोमीटर पड़ेगा, जो लगता था 110 किलोमीटर, मतलब घंटों का जो रास्ता है वो मिनटों में सिमट जाएगा, ऐसा अगर कहें तो ये कहना खराब नहीं होगा। और आपको बता ही दिए कि अभी यहाँ से एक ट्रेन गुजरी है, इससे पहले भी 2 ट्रेन जब तक हम चल कर आए तब तक गुजरा है। इस रोड में अगर कुछ भी बाधा है अगर, तो यहाँ पर ये जो सामने देख रहे हैं अप्रोच रोड सिर्फ अब कनेक्ट होना बाकी है। ज़मीन अधिग्रहण 225 करोड़ रुपए की लागत से होना था, उसे पूरा कर लिया गया है। जब मंगल पांडे पथ निर्माण मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि मई महीने तक मुंगेर गंगा ब्रिज का पथ अप्रोच रोड का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, और उसी का अपडेट लेने के लिए आज हम जून महीने में पहुँचे हैं, तो लेकिन अभी भी इसका बहुत काम बाकी है। देख करके ऐसा लगता है अगले 5-6 महीने में ये रोड कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन एक उम्मीद है कि इसी साल, जैसा कि मैंने इसे पिछले वीडियो में बताया था आपको, इस साल इस पर गाड़ियां जरूर दौड़ेगी, ऐसा मेरा मुझे लगता है, अगर कोई बाधा नहीं आया तो। बीच में कोरोना संकट आ गया, 2 महीने के आसपास जो है काम एकदम मिनिमम वर्क फ्लो में हो रहा है, क्योंकि जो कामगार हैं वो लगभग छोड़ करके अपने अपने घर चले गए थे, 10% के आसपास कामगार सभी प्रोजेक्ट्स में बचा है, तो ऐसे में काम धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए
थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिले हो गया, लेकिन उम्मीद है कि इस साल इस पर गाड़ियां फर्राटे भरेंगी और हम यहां से इसके दूसरे छोर यानी खगड़िया के तरफ हम चलेंगे, वहीं गाड़ी हमारी पार्क है, उस तरफ का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और पिछली बार हमने दिखाया था कि कैसे मजदूर इस पर ट्रैक पर होते हुए आते हैं, वो लोग बताते थे कई लोग इस पर कटकर मर भी जाते हैं, कई दुर्घटनाएँ हो जाती है। ऐसे में इस ब्रिज का बन जाना निहायत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जब यह बनकर तैयार होगा तो इस पर एक राइड आपके साथ इस कैमरे पर ज़रूर हम करेंगे। उधर से अप्रोच रोड बनता हुआ आगे बढ़ता हुआ यहाँ आ रहा और आखिरी पिलर है जिसका पियर और पियर कैप बनना है, ये बनकर के तैयार होगा तो ये अप्रोच रोड इस ब्रिज से जुड़ जाएगा, फिर इस सड़क के जरिए आप उस तरफ में खगड़िया वाले छोर पर पहुँच सकते हैं। आपको बताएं कि पिछले कई वर्षों से इस पर ट्रेन का आवागमन हो रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर ये अप्रोच रोड बन जाए तो इस पर से गाड़ियाँ दौड़ने लगेगी। सुबह के समय में जब आएंगे तो कई कामगार इस पर से पैदल चलकर आते हुए दिखाई देंगे, पिछली बार हम आए थे तो उनका इंटरव्यू भी करके आपको दिखाया था। मुंगेर के सड़क सा रेल पुल पर अप्रोच रोड नहीं होने के कारण लोग कैसे जिंदगी को दाव पर लगाकर इस पर सफ़र करते हैं वो देखिए। ये चाचा बता रहे हैं कि रोज़ ये अपनी साइकिल से इस ब्रिज को पार करते हैं। तो मजबूरी में जा रहे हैं? मजबूरी में जा रहे हैं सर, रोज जाते हैं, शाम को जाते हैं, सवेरे आते हैं, रोज। ऐसे कई लोग हैं जो आपको इस ब्रिज पर हर दिन दिखेंगे ऐसे ही जाते आते हुए। अभी भी जो है शाम के समय में कई लोग उस तरफ से आते हैं, इधर में मुंगेर में काम करते हैं और शाम को फिर वापस पैदल जिंदगी को हाथ में लेकर के वापस जाते हैं। ऐसे में इस पुल का कितना ज़रूरत है या इस अप्रोच रोड का बन जाना कितना आवश्यक है ये आप समझ सकते हैं, पिछली बार हम उसे कैमरे पर भी आपको दिखाए थे। अभी चलिए तो आपको एक बार ड्रोन कैमरा से दिखाते हैं कि इसका कितना काम हुआ। कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ के अलावा हम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे, आप चाहे तो अपनी बात वहाँ भी रख सकते हैं। धन्यवाद।